पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 मई को मतगणना होगी। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। इसके तहत पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को पहले और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 4 अन्य राज्यों के साथ 2 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि सभी राज्यों के चुनाव में शामिल होने वाले अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो भी कोई शराब सप्लाई करता है, चाहे वो किसी का भी नजदीकी हो, उसे सजा मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया गया। आयोग ने बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव भाजपा के कहने पर करवाए जा रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया जो भाजपा ने कहा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के साथ राज्यपाल की हाथापाई हो गई। इस पर कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेता समेत कांग्रेस के 4 अन्य विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मुंबई स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 1 घंटे में मंदिर के भीतर 100 श्रद्धालुओं को ही जाने की इजाजत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूरत नगर निगम में जीते आम आदमी पार्टी के 27 पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि हम 27 हैं और वो 93, लेकिन ऐसी राजनीति करना कि पूरे देश में मिसाल बने। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।